यूक्रेन में हो रहा है दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, पूरी इंसानियत का एक मसला है, पूरी इंसानियत इसे जख्मी हो रही है, और जो वहाँ पे लोगों के हालात हैं, खुसूसन जो हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। जो हम रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑफिशियली या अनऑफिशियली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत बच्चे तहखानों में पर छुपे बैठे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव प्रीएम्प्टेड एक्शन रिट्रीविंग द सिटीजन फ्रॉम दैट प्लेस। जैसे दूसरे ममालिक ने अपने लोगों को वहाँ से निकाल दिया था, एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और लोगों को लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ड टू टेक द टाइमली एक्शन। लेकिन अब जो हुआ है, जो इस वक्त सिचुएशन है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी इन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी सरकार है दिल्ली की, उन पर फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जितने लोग हैं वहाँ पे, खसूस जम्मू कश्मीर के जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी उनकी गरीब घरों से तल्लुक करती है, जिनकी कोई एक्सेस नहीं है, जो इस वक्त खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हवाई जहाज़ों का खर्चा जो वहाँ से है वो बहुत बढ़ा दिया गया है, और 18 साल और 60 साल की उम्र के लोगों को बाहर जाने पर पाबंदी लगी हुई है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड, आई अपील थ्रू योर मीडियम, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, अपील टू देम कि इंसानी बुनियादों पे इस मसले को टेकअप किया जाए। एलजी गवर्नर जो हमारे वर्दी गवर्नर हैं एलजी सिन्हा साहब, ही शुड इनिशिएट कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे हैं कि उनको सेफ्टी मिले और सेहत सलामती के साथ उनको वापस मुल्क में लाया जाए। जिससे मैं अपनी तंजीम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा, हमारे जो सदर हैं सजाद गनी लोन साहब, उन्होंने पहले दिन ही इस डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस हुई है, जिस तरीके को अपनाया गया है, जो उन्होंने तरीके कार इख्तियार किया है, उसको हमने पहले से रिजेक्ट किया है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। ये मज़हबी बुनियादों पे कुछ ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। हमारा मानना था, हमारा मुतालबा था कि आबादी के तनासब से कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिड्राफ्ट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो दिखाई दे रहा है कि रिलीजन हैज़ प्लेड अ रोल। आई होप कि जो नए सिरे से जो इसके द्वारा सुनवाई हो रही है, उन सारे मुद्दात को जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कमीशन को पेश किए हैं, जस्टिस रंजना जो वर्दी चेयरपर्सन है इस कमीशन की, शी शुड हेयर द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एड्रेस ऑल इश्यूज जो उनकी नोट्स में लाए गए हैं, हमारी तरफ से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लोगों की तरफ से, सोशल सोसाइटी की तरफ से, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। पीएचडी का अपना नजरिया क्या कहा, मैंने अभी तक उसका मतन नहीं देखा है, सो इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट। चलो पूरा मतन देखे हम अपनी राय उस पर रखें।